आज फिर से नया शहर, नया डेस्टिनेशंस। आज हम निकले हैं केरला और साथ में आया है, आज हमें उबेर में मिला है अक्षय। अक्षय से बात करके मजा आया। तो अक्षय अपना चैनल एंजॉय कर रहे हैं। अक्षय के साथ अभी हम निकले हैं उबेर ड्रॉप पुणे एयरपोर्ट। तो चलो चलते हैं पुणे एयरपोर्ट और फिर चलेंगे आगे। फिर एक बार कोचीन एयरपोर्ट। और इसकी खासियत यह है कि ये वर्ल्ड का पहला सोलर पावर ऑपरेटेड एयरपोर्ट है। अभी अभी जानकारी मिली है कि ये तो फुल्ली खुद पे सोलर ऑपरेट करते ही है और जो एक्सेस पावर जनरेट होता है वो बाहर भी एर्नाकुलम सिटी के लिए प्रोवाइड करते हैं। वेरी नाइस एयरपोर्ट। मुझे यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी पसंद आती है। हेलो एंड वेलकम अनदर ब्लॉग। सो आज हम आए हैं एर्नाकुलम टाउन हॉल मेट्रो स्टेशन और मैंने ये डे पास ले लिया है। ये 125 रुपये में पास है, डे पास। तो इसके वो मल्टीपल टाइम आप दिन भर कमिट कर सकते हो। इज वैलिड फॉर अप टिल द लास्ट ट्रेन। तो लास्ट ट्रेन यहाँ का होता है 10:30 बजे तक। और अभी बजे है दोपहर के रफली 2। तो 2 बजे से 10 बजे तक मैं ये पास यूज़ कर पाऊँगा मल्टीपल कमिट। तो ये टाउन हॉल स्टेशन से अभी हम पहले पहुँचेंगे इडापल्ली, जहाँ पे काफ़ी बड़ा चर्च है। उसका नेक्स्ट स्टेशन में आता है बड़ा लुलू मॉल। तो लुलू मॉल एक्सप्लोर करेंगे और लुलू मॉल के आगे आता है यहाँ का यूनिवर्सिटी, कोचिन यूनिवर्सिटी। तो वी विल एक्सप्लोर दी कोचिन यूनिवर्सिटी। तो चलो देखते हैं दिन भर में क्या क्या होता है, ये सबका मिला के एक ब्लॉग बना के प्रेजेंट करेंगे। चलते चलते हमें मिल गए हमारे दोस्त बाबूराज, केरला किंग। तो बाबूराज अभी हमें आगे के लिए हेल्प करेंगे कोची यूनिवर्सिटी टूर करने। तो चलो चलते हैं बाबूराज के साथ कोची यूनिवर्सिटी में। ओके बाबू। ओके, कोची यूनिवर्सिटी आया हुआ। सो एक्सपेक्टेड टू विजिट कोची यूनिवर्सिटी बिकॉज माई डॉटर इज गिवन द एप्लीकेशन टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, दैट्स गुड। So let's now we'll visit that office also. It's really nice for me to visit. Yeah, chalo, good. Then we'll jointly visit and enjoy it, right? Yeah. So welcome to destination Dynamics. तो ये आ गया हमारा कोची यूनिवर्सिटी स्टेशन। Please stand away from the doors. चलो लेट्स गेट डाउन। ये था मेट्रो जिससे हम उतर गए और अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी। सामने ही लिफ्ट है, लिफ्ट में आ गए। Getting at downstairs. एग्जिट पे आ गए। फिर से हमारा ये पास है, इसको प्रेस करेंगे और दरवाजा खुल जाएगा। तो ये था मेट्रो स्टेशन कोचीन यूनिवर्सिटी, जहाँ से हम नीचे आए हैं
उतर के आपको सीधा आना है, और अगर सामने देखेंगे तो ये है यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CUSAT इज द शॉर्ट फॉर्म, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेट्स गो। एंट्रेंस से बस थोड़ा चलते जाना है, फिर आगे डिपार्टमेंट वाइज इस तरह से है कैंपस, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो आफ्टर वॉकिंग अराउंड 800-900 मीटर्स द कैंपस यहाँ से शुरू होता है, CUSAT कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके स्टार्टिंग में भी ये आता है लेडीज़ हॉस्टल, बेसिकली दो लेडीज़ हॉस्टल नज़र आ रहा है, वन इज अनगा लेडीज़ हॉस्टल, सेकंड इज अनन्या लेडीज़ हॉस्टल। अगेन इससे है ये CUSAT लोगो, और यहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है। सामने शायद है एडमिन बिल्डिंग, तो पहले एडमिन बिल्डिंग विजिट करते हैं, और इस तरफ और एक है अथुलया लेडीज हॉस्टल, अथुलया लेडीज हॉस्टल है। तो एडमिन बिल्डिंग के एंट्रेंस के पहले ये ले ये आता है CSAT सेमिनरी कॉम्प्लेक्स, और ये सामने है एडमिन बिल्डिंग। ये एंट्रेंस पे ही कथकली जो होता है उस मुद्रा में ये अच्छा बनाया हुआ है एक स्टैचू। तो ये एडमिन बिल्डिंग तो हम रूम के आए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ऑफिस है, इसके अंदर अगर कुछ पर्पज है तो ही छोड़ते, घूमने के लिए नहीं छोड़ते। वहाँ से हम ऑफिस आ गए फिर से, और अभी यहाँ से चलेंगे हम नेक्स्ट आगे इंजीनियरिंग एंड साइंस जो डिपार्टमेंट्स है उस बिल्डिंग्स के तरफ थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ये सामने लाइब्रेरी बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और इस तरह पे सेमिनार कॉम्प्लेक्स अच्छा बनाया है बैठने के लिए, बेड वगैरह। ये सेमिनरी कॉम्प्लेक्स, इस तरफ है कैंटीन, तो कैंटीन में हम आते वक्त एक्सप्लोर करेंगे, और नीचे लिखा है वहाँ कैफेटेरिया, और ये सेमिनरी हॉल है, तो कैंटीन बाद में देखते हैं, पहले अदर डिपार्टमेंट्स। ये लाइब्रेरी है, हाँ ये लाइब्रेरी दिस साइड है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये लिखा है इधर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और अच्छा बनाया है स्ट्रक्चर, डिज़ाइन लुक्स गुड। सो डिपार्टमेंट में तो हमें काम नहीं है, हम अपना बाहर से ही देखेंगे। यहाँ पे जो वाटर प्लान है, ओके, ये वाटर हार्वेस्टिंग या ट्यूबवेल या कुएं जैसा, हमें नॉट ट्यूबवेल बट ये, हाँ ओके, इधर आते होंगे सारे। हाँ तो ये पानी का एक बड़ा वेल है, कुआ है, और उसके सामने ये कुछ डिपार्टमेंट्स का ये नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल स्कूल, वो सामने है डिपार्टमेंट ऑफ सिक्स एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर के 6 जो है वो इस तरफ है, इस साइड। छः था वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, पेड़ के बीच में से नाम दिखेगा। फिजिक्स के बाद है होशियार लोगों का काम, मैथमेटिक्स
डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, उसके आगे DDU कुशल केंद्र, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। दिस साइड इट इज डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और टॉपिक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, USPICI.com, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मेन कैंपस, गेस्ट हाउस, स्टेट हॉटल, स्टेट हॉटल। ओके चलो, सामने है स्टूडेंट्स एमिनिटी सेंटर और उस तरफ अंदर जाएंगे तो इंजीनियरिंग कैंपस है। कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस का बोर्ड लगे है, आई थिंक क्या है वो, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप। अच्छा, उसको स्कॉलरशिप मिल गया। फिर ये रेस्टोरेंट है इधर, सीयूसैट रेस्टोरेंट। और यहाँ से सामने ये रोड फिर उधर जाएगा सीधा, यहाँ से हम आए थे मेट्रो स्टेशन, अलग अलग कैंपस है। और यहाँ से अभी लेंगे यू टर्न, इस तरफ थोड़ा ये शेड है, क्या है वो देखते हैं एंड फिर चलते हैं। इधर मोस्टली बैंक है, स्टेट बैंक भी है अंदर कैंपस के अंदर। आगे वो क्वार्टर्स है सामने जो दिख रहे हैं, कुछ रेसिडेंस बंगलोज भी होंगे। तो वो छोड़ के अभी हम थोड़ा इधर क्या है वो देखते हैं। इस तरफ ये कुछ है स्पोर्ट्स अरेना, और आगे भी इधर है स्कूल्स ऑफ लीगल स्टडीज, स्कूल ऑफ लीगल स्टडी है इस साइड। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और उसके अंदर भी काफ़ी इधर है केमिस्ट्री वगैरह, वो भी डिपार्टमेंट से। इस तरफ है फूड एंड वाटर क्वालिटी एनालिसिस लैबोरेटरी। इस तरफ है सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी CSIS, तो सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी। तरफ है भाई ये सारा बॉयज हॉस्टल, उस तरफ था लेडीज हॉस्टल, फिर ये आगे आएगा इंजीनियरिंग कैंपस। अदर बॉयज हॉस्टल सरोवर बॉयज हॉस्टल बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, अंदर अभी पता नहीं, अंदर जाके हम शूट नहीं कर सकते। और ये है इंजीनियरिंग कैंपस, काफ़ी भीड़ दिख रहा है इंजीनियर्स का। चलो चलते हैं अंदर। उसके आगे और है स्वराज बॉयज़ हॉस्टल, सागर बॉयज़ हॉस्टल, और एक बॉयज़ हॉस्टल है सिबेरिया बॉयज़ हॉस्टल। तो लॉट ऑफ हॉस्टल्स एंड हॉस्टल्स। एंड ये है सेंट जोसेफ EMH सोसाइटी स्कूल। तो ये सामने है इंजीनियरिंग का कैंपस, और आई थिंक इस साइड का ये द लास्ट कैंपस है। तो अंदर तो हमें छोड़ेगा नहीं, दूर से ही दिखा के, और यहाँ से अभी हम चलेंगे वापस। घूमते घूमते हो गया पूरा कैंपस टूर, आखिरी था इंजीनियरिंग का कैंपस। तो यहीं पे इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।